प्यारे विद्यार्थियों, RCI एजु हब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, फिर भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। आपने भाषा की परिभाषा देकर भाषा के दो रूप बताए, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर के प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहा। उन्हीं विचारों को अर्थात बोले हुए विचारों को जब निश्चित चिन्हों में अंकित कर लेखबद्ध कर देता है तो लिखित भाषा। दो रूप आपने बताए। फिर जो बोर्ड के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर आपने ये बताया कि भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। भाषा को पांच क्षेत्रों में बताया आपने, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। सूत्रों के माध्यम से आपने उनको याद किया, पूर्वी क्षेत्र को ABC के द्वारा व्यक्त किया। इसी प्रकार से फिर आपने भाषा और बोली के अंदर अंतर बताया कि भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है। इस प्रकार आपने भाषा के टॉपिक को कल के वीडियो में देखा। आज के वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको लिपि। लिपि किसे कहते हैं, सो देखिए लिपि क्या है। सबसे पहले लिपि, प्यारे विद्यार्थियों, लिपि निश्चित चिन्हों को कहते हैं। हम यूं कहें कि जो आपके द्वारा या मनुष्य के द्वारा जो ध्वनियां व्यक्त की जाती हैं उन ध्वनियों को निश्चित चिन्हों में अंकित कर दिया जाता है। जिन चिन्हों में उसे अंकित किया जाता है वे अपने अपनी अपनी भाषा के निश्चित संकेत होते हैं। जैसे बात करें हम देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि के संकेत अलग हैं। बात करें हम रोमन लिपि की, उसके चिन्ह या संकेत अलग हैं। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा के अपने अपने निश्चित चिन्ह या संकेत हैं। हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की कि देवनागरी लिपि को किन चिन्हों में अंकित किया गया है। तो सबसे पहले लिखिए आप लिपि की परिभाषा। लिपि किसी भी भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों या संकेतों में अंकित किया जाता है वे संकेत या चिन्ह संकेत या चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। बात करें हम हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, तो ये हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा को जो लिखा जाता है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि के अंदर जो निश्चित चिन्ह या संकेत अंकित किए गए हैं वे किस प्रकार से हैं, सो देखिए देवनागरी लिपि के चिन्ह। देवनागरी लिपि
के चिन्ह देवनागरी लिपि के चिन्हों को इस प्रकार से अंकित किया गया है जो स्वर हैं, क्योंकि अभी आपने कहा जिन ध्वनियों को, तो किसी भी भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको स्वरों में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से देवनागरी लिपि के जो स्वर हैं वे ए आ ई ई उ उ री ए आई ओ आओ, ये देवनागरी लिपि के स्वर हैं। इन स्वरों को जो निश्चित चिन्ह या संकेत दिए गए हैं वे इस प्रकार से हैं। ए का कोई संकेत नहीं है, आ आ का संकेत है ये, इस प्रकार से ई का जो संकेत है वो छोटी की जिसको आप कहते हो वही है, अर्थात सिर्फ ये बच जाएगा, शिरोरेखा ये ई का है, ये बड़ी ई का है, उ उ री ए आई ओ आओ, ये इनके निश्चित चिन्ह या संकेत हैं। प्रश्न ये आता है कि देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, सिर्फ इतना पूछता है किसी भी भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों या संकेतों में अंकित किया जाता है वे निश्चित चिन्ह या संकेत उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। तो देवनागरी का नाम आता है तो देवनागरी की लिपि हो गई, रोमन के लिए आता है तो रोमन लिपि हो गई, जिसके लिए भी पूछा जाता है तो वे उसी प्रकार उसके लिए वही लिपि हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछता है वो ये पूछता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, अब कौन कौन सी है देवनागरी लिपि की विशेषताएं जरा ध्यान दीजिए। विशेषताओं से तात्पर्य है कि किसी भी लिपि के अंदर वे कौन से गुण हैं जो जिनके माध्यम से उस लिपि को पहचाना जाता है या उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। देवनागरी लिपि के जो चिन्ह हैं वे आपने देखे, इसकी जो विशेषताएं हैं वे देखी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, सबसे पहले देखिए, अभी आप बातचीत कर रहे थे जिसके अंदर आपने बताया कि इसके जो चिन्ह या संकेत हैं वे, फिर इसके बाद सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देवनागरी को जैसा आप बोल रहे हो वही उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले आप क्या कह रहे हो कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस प्रकार से आप इधर से इधर चल रहे हैं, अर्थात इस हाथ से इस हाथ की ओर, ये जो हाथ होता है हमारा जेब की तरफ वाला वह बायां कहलाता है, तो बाईं तरफ से और दाहिनी ओर आप आ रहे हैं, दाईं ओर आ रहे हैं, तो पहली विशेषता देवनागरी लिपि की यही हो गई कि इस लिपि को बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। जैसा आप कह रहे हैं, आपने पहली विशेषता बताई कि यह है बाईं से
दाई और बाई से दाई और लिखी जाती है, बाई से दाई और लिखी जाती है। कौन? देवनागरी लिपि। दूसरी अभी आप कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि के अंदर ये अभी आप लाइन से निकाल रहे हैं, ये सिरोरेखा कहलाती है, इसको हम सिरोरेखा के नाम से जानते हैं। तो देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता हो गई, इसमें सिरोरेखा का उपयोग किया जाता है। जो लाइन निकाल रहे हैं ये सिरोरेखा है, जैसा आप कह रहे हैं वैसे लिखिए, इसमें सिरोरेखा का उपयोग किया जाता है। तीसरा, अभी आप कह रहे थे कि किसी भी भाषा को स्वर एवं व्यंजनों में विभक्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से देवनागरी लिपि को भी स्वरों एवं व्यंजनों में विभक्त किया गया है। इस लिपि को स्वर स्वरों एवं व्यंजनों में विभक्त किया गया है, स्वरों एवं व्यंजनों में विभक्त किया गया है। चौथी जो विशेषता है वो ये है कि इन स्वरों एवं व्यंजनों को निश्चित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लिपि के स्वरों एवं व्यंजनों को निश्चित वर्गों में विभाजित किया गया है। इस लिपि के स्वरों एवं व्यंजनों को निश्चित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे स्वरों की यदि हम बात करते हैं तो स्वर हैं वे दो भागों में विभाजित किए गए हैं। इनको हमने दो भागों में विभाजित कैसे किया कि पहला तो हो गया लघु और दूसरा हो गया दीर्घ। इसी प्रकार से जो व्यंजन है हमारे, इन व्यंजनों को भी हम पुनः वर्गों में विभाजित करते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अर्थात हम कह सकते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये निश्चित वर्गों में विभाजित किए गए हैं। आपने कहा कि इस लिपि को स्वरों एवं व्यंजनों में विभाजित किया गया है, ठीक। इसी प्रकार से जो भी आप स्वर एवं व्यंजन बता रहे हो, इन स्वर एवं व्यंजनों में जो उच्चारण होता है वो भी एक निश्चित है। इस लिपि की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इस लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। आप उच्चारण जिसका कर रहे हैं उस उच्चारण के अनुसार ही लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप उच्चारण तो कर रहे हैं किसी का और लिखा जा रहा है किसी का, रोमन भाषा की तरह। जैसे कभी तो वहाँ क वर्ण के लिए सी लिख दिया जाता है तो कभी के लिख दिया जाता है, ऐसा हिंदी भाषा में नहीं होता, देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता। पांचवी जो विशेषता होती है वो है
उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। क्या? देवनागरी लिपि उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। देवनागरी लिपि उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। छठी जो विशेषता है, एक वर्ण का उच्चारण एक ही होता है। एक वर्ण का उच्चारण एक ही होता है। छठी जो विशेषता बताई आपने, एक वर्ण का उच्चारण एक बार ही होगा, अर्थात यूं नहीं कह सकते कि एक उच्चारण पर दो दो या तीन तीन वर्ण लिखे जा रहे हैं। सातवीं विशेषता है कि स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग बांटा गया है। व्यंजनों को वर्गों में विभाजित किया गया है, तो स्वरों को भी किया गया है। इस देवनागरी लिपि में अनुस्वार और विसर्ग अलग से रखे गए हैं। यूं कह सकते हैं इस लिपि में अनुस्वार एवं विसर्ग को अलग से स्थान दिया गया है। अलग से स्थान दिया गया है। इस प्रकार से इसकी अनेक विशेषताएं होती हैं। किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 13, किसी ने 15। अर्थात देवनागरी लिपि की जितनी विशेषताएं आप बताना चाहोगे उतनी इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। आप अगली जो विशेषता आप कह सकते हैं कि इस लिपि में, देवनागरी लिपि के अंदर जो आप अनुस्वार और विसर्ग है, इसके अलावा अन्य लिपियों की ध्वनियों को भी इसमें स्थान दिया गया है। इस लिपि में अन्य लिपियों के वर्णों को भी स्थान दिया गया है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि इस लिपि में, इन सभी विशेषताओं को पढ़ने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि ये संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह संसार की वैज्ञानिक लिपि है। संसार में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा इस लिपि को काम में लिया जाता है। संसार में इस लिपि को सर्वाधिक स्थान दिया गया है। और अगली विशेषता जो है वो यह है कि संसार में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली लिपि है। संसार में
सर्वाधिक लोगों के द्वारा लिखी जाने वाली लिपि है। और इन सब विशेषताओं को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये संसार में वैज्ञानिक लिपि है। यह सभी विशेषताओं के आधार पर एक वैज्ञानिक लिपि है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लिपि की विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें आपने लिपि की परिभाषा बताई, लिपि की विशेषताएं बताई, देवनागरी लिपि की विशेषताओं को आपने यहाँ पढ़ा, संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि आपने इसको बताया। बात की जाए परमाणु की, तो वैज्ञानिकता के आधार पर वैज्ञानिक लिपि आपने इसको घोषित किया। आज हम लिपि के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा अगली कक्षा में समझाएंगे। धन्यवाद।